हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट। केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर टू इंटरव्यू 2016 में 9 दिसंबर को पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो कि मिले हैं वो आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही यहाँ बताने वाली हूँ छात्रावास अधीक्षक के कार्य क्या होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा वैसे छात्रावास अधीक्षक के कार्य क्या होते हैं, तो इस विषय में आज हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं 9 तारीख की डेट में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी करंट अफेयर से आप लोग ज़रूर से अपडेट रहिए, ठीक है। करंट अफेयर से ज़रूर से अपडेट रहिए, क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जा रहे हैं। कई लोग से नहीं भी पूछे जाते हैं बट पूछे जा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है दैट मीन्स कि वो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि अपने बारे में बताइए। तो जाहिर सी बात है कि अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन जो होता है वो हर एक बच्चा तैयार करके गया होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपने लिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी ज़रूर से तैयार करें। इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर के जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़े हैं उसमें आपको मिल जाएगा। सेकंड पूछा गया था कि ग्रेजुएशन के विषय बताएं। ग्रेजुएशन में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बताएं, दो सब्जेक्ट नहीं बताएं, तीनों बताएं जो आपने स्टार्टिंग से लिए थे। अगर आप पीसीएम से हैं तो पीसीएम बताएं, पीसीबी से हैं तो पीसीबी बताएं। इसके अलावा अगर आप कोई और सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप वो बताएं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि तीनों विषयों में से कौन सा आपका पसंदीदा विषय है। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रिक्टली ही कुछ पूछते हैं, कभी कभी आसान सी चीज़ें भी पूछते हैं और आराम से भी उन चीज़ों को वो लोग कवर करते हैं। तीनों विषयों में से कौन सा आपका पसंदीदा विषय है, देखिए आपके ऊपर ही डाल दिया ये कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ताकि जो भी आप बोलेंगे ना दैट मीन्स उनको ये मालूम होगा कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, ठीक है। इसके बाद से पूछा गया कि अब आप बताइए कि तीनों में से किस विषय से आपसे प्रश्न पूछें, ठीक है। तो अगर कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड ज़रूर करें, ताकि अगर आपसे आपको ये ऑफ़र दे दें कि आप बताइए कि तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छे से प्रिपेयर है उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप वहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट बता सकें। सबको ये चांस नहीं मिलता है बट कुछ लोगों को ज़रूर से मिलता है, तो डेफ़िनेटली अगर किसी को मिलता है तो प्लीज़ एक कोई सब्जेक्ट ज़रूर से तैयार करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि CFL बल्ब और LED बल्ब में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि CFL बल्ब और LED बल्ब में क्या अंतर है, आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब की, यानी कि CFL बल्ब की। तो CFL का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है। CFL का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, जिसमें ऑर्गन भरी होती है, ऑर्गन गैस भरी हुई होती है, ठीक है ना। क्या भरी होती है, ऑर्गन गैस भरी हुई होती है। CFL में पारे का भी उपयोग किया जाता है। CFL करीब 80% विद्युत की बचत होती है इससे, ठीक है। CFL से करीब 80% विद्युत की बचत होती है, और अगर देखा जाए तो CFL LED से कम बचत कर पाता है, ये होता है CFL बल्ब। अब देख लेते हैं हम LED के विषय में। नेक्स्ट है LED बल्ब्स, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब्स। तो LED बल्ब्स होते हैं, इनका मतलब होता है कि वैज्ञानिकों की माने तो LED बल्ब इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती बिजली की बचत करने वाला बल्ब माना जाता है। रोशनी की यदि बात की जाए तो यह CFL से अधिक रोशनी देता है। तो यह है आपका LED बल्ब जो कि CFL से अच्छा होता है, माना जाता है कि ये सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती है, बिजली की बचत करने वाला बल्ब माना जाता है इसे। और अगर बात की जाए CFL से तुलना में तो CFL से ये अधिक रोशनी भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के गति के नियम बताइए। तो आपको जैसा कि पता होगा कि न्यूटन के गति के तीन नियम हैं। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ज़रूर से देख लें। ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि किसके लिए है, तो ये आपका विज्ञान जो है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है ना, इसका जो ये क्वेश्चन है इस पोस्ट के लिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और प्रयोगशाला सहायक के लिए भी। पहला है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे कि हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, और अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए, ठीक है, या फिर उसकी गति में कोई परिवर्तन ना ला दिया जाए। तो इससे जो है उस वस्तु के विराम की अवस्था का बोध होता है, और यही होता है न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट आती है बात न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, यानी कि लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग का नियम। तो वस्तु का जो संवेग होता है उसमें जो परिवर्तन की दर होती है उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि
प्रोपोर्शनल होती है और संवेग परिवर्तन जो होता है वो आरोपित बल की दिशा में ही होता है, अर्थात यह उस दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। और इस नियम में हमें बल का परिमाण या दो बलों का तुलनात्मक ज्ञान के बारे में भी पता चलता है। तो दूसरा जो नियम होता है वो संवेग का नियम होता है। तीसरा आता है गति का तीसरा नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा जाता है, कि प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर या फिर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इसी को जो है कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया या फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है और जब बर्फ़ जो है पूरी तरह से पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का जो तल होगा वो क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है और वो अगर पिघल जाती है तो भी जो पानी का तल होगा वो क्या होगा, उतना ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बीकर में, वो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। ठीक है, इसी के स्मृति में 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन, ये जो कि आप देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं आपको। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही में पूछा गया कि लोकसभा सचिवालय का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है उत्पाल कुमार सिंह को। ये सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा कराए गए हैं, अगर आपने पढ़ा होगा वीडियो से तो आपको पता होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, ये भी एक क्रॉस क्वेश्चन ही है, इसके साथ एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड। अगर आप करंट अफेयर्स को चेक करेंगे तो आपको ज़रूर से मिल जाएगा, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और जिस कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है उससे जो है यूपी करंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपी करंट के क्वेश्चन उन्होंने नहीं प्रोवाइड कराए हैं। और रही बात यूपी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन से, तो यूपी से संबंधित योजनाएँ उनसे पूछी गई थी कि कोई दो ऐसी योजनाएँ बताएँ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से पढ़ के जानी है। और इसके बाद से मैंने जो थंबनेल में एक हेडिंग डाली है कि छात्रावास अधीक्षक के कार्य क्या होते हैं, इस विषय में हम देखेंगे। अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक की, तो छात्रावास अधीक्षक जिसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं, कहीं कहीं हॉस्टल वार्डन भी कहा जाता है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं उनके ऊपर जो है बहुत सारा कार्यभार होता है उस हॉस्टल का, वहाँ के सारे जो भी कार्य प्रणालियाँ हैं उनकी देख रेख करना, जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक हॉस्टल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो है एक छात्रावास अधीक्षक जो है वो देखता है। अगर हम बात करें छात्रावास अधीक्षक की, तो बच्चों से रिलेटेड सभी जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करवाना और ख़ुद भी उसे फॉलो करना एक छात्रावास अधीक्षक का कार्य होता है। ठीक है, हॉस्टल में कौन कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, किस क्रियाओं पे जो भी टाइम टेबल बनाना होता है कि खाने का समय क्या होगा और बच्चों के खेलने का समय क्या है, पढ़ने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, ये सारी चीज़ें जो है एक हॉस्टल जो आपका सुपरिटेंडेंट होता है ये सब कुछ देखता है। साथ में हॉस्टल में डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि छात्रावास अधीक्षक का होता है। तो मेनली आप कह सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक जो होता है वो हर तरह से जो एक गार्डियन का रूप जो है वो लेता है एक हॉस्टल में, और उसका कार्य जो होता है पूरी तरह से जिम्मेदारियों भरा होता है, इसमें उसको हर तरह के कार्य को करना होता है। ठीक है, बच्चों की हर ज़रूरतों को पूरा करवाना, वहाँ पे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, किसी बच्चे कोई बच्चा किसी परेशानी में ना हो, ये सारी चीज़ें ये सब कुछ को मैनेज करता है एक छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, तो जो हॉस्टल वार्डन होता है या फिर आप कह सकते हैं कि जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे जिम्मेदारी भरे कार्य होते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं आप अगर आप चाहें तो एक जगह नोट कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं है कि नोट करने की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर आपको बताना होगा तो मेनली आप बता सकते हो कि रूल रेगुलेशंस को मेंटेन करना और हॉस्टल्स में जितने भी कार्य होते हैं उनमें जो है प्रमुखता का जो रूप निभाता है वो एक निभाता है छात्रावास अधीक्षक, नियमों को बनाना। ठीक है, बच्चे उस नियमों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टाइम टेबल्स बनाना, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, और एक हॉस्टल में जो भी होता है रूल्स जो होते हैं बनाना कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, किस तरह से होंगी, ये सारी चीज़ें जो है एक छात्रावास अधीक्षक का
कार्य होता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है और पढ़ के जाना है। इसके बाद से भी अगर आप लोग जो हैं जो इंटरव्यू देके आ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इंटरव्यू के क्वेश्चन ज़रूर से शेयर करें, जिससे बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं, सिर्फ यही बताते हैं कि मैंने आज इंटरव्यू दिया है, बट वो क्वेश्चन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप ज़रूर से शेयर कर दें। अगर आप यहाँ पर नहीं शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप मेरी इंस्टा आईडी है KRSSuccessShot, आप वहाँ पर जो है क्वेश्चन को मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, जिससे कि बाकी सारे बच्चों को भी जो है कुछ एक्सपीरियंस जो है इससे मिले कि उन्हें भी किस तरह से तैयारी करके आगे जाना है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।